हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सैंडविच। इसके लिए हमने लिए दूध से निकली हुई मलाई, चॉप की हुई कुछ वेजिटेबल्स, कॉर्न। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थी मैंने वो डाली। इसके बाद हमें लेना है टोमेटो सॉस, चिली सॉस। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जैसे तीखा या मीठा पसंद करते हो। मैंने हाफ चम्मच चिली सॉस ली थी, हाफ ही टोमेटो सॉस ली है। अब इसमें सॉल्ट डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। चिली फ्लेक्स, ओरिगेनो डाल दीजिएगा और अब ब्लैक पेपर डाल दीजिएगा, काली मिर्च अगर आप पसंद करते हो तो। अब बस एक पैन में मैंने घी डाला है, आप बटर या ऑयल से भी बना सकते हैं इसे, पर घी और बटर का टेस्ट अच्छा आता है ऑयल की अपेक्षा। आप बस क्या इसे सैंडविच की तरह में कर लेना है, दो दो चम्मच फुल भरकर, और बस इसे पैन में रखकर। मैं लोहे का तवा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ हर चीज़ बनाने में, नॉन स्टिक के पैन में कम ही यूज करती हूँ, इसलिए मेरी ज़्यादातर डिशेज लोहे की कढ़ाई और लोहे के तवे पर ही होती हैं, क्योंकि ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। बस इसे स्पैटुला से ऐसे प्रेस करके हमें सेक लेना है दोनों साइड। इसको पलट देंगे, फिर हम इसमें भी घी डालेंगे और दोनों साइड ऐसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। देखिए, मेरे पास नॉनस्टिक भी कुकवेयर हैं बहुत, पर मैं उन्हें कम ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि नॉनस्टिक हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। मैं आपको भी सजेशन दूंगी कि नॉनस्टिक एल्युमिनियम आप कम ही यूज किया करिए, लो आयरन के ही बर्तनों में अपने बच्चों को खाना बनाया कि अपनी फैमिली के लिए खाना उन्हीं में बनाया करिए, सब्जियों में। अब बात करते हैं, चलिए ये सैंडविच की। ये सैंडविच जो आप मेयोनीज बच्चों को देते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल मेयोनीज होती है। चीज़, मेयोनीज जो मार्केट से पैकेट बंद चीज़ें आती हैं वो हार्मफुल ही रहती हैं। आप ये फ्रेश दूध से निकली हुई मलाई की सैंडविच एक बार बच्चों को बनाकर दीजिए, बच्चे मेयोनीज खाना भूल जाएंगे, ये मेरा दावा है आपसे। सुपर टेस्टी, बड़े लोग भी सैंडविच को खा सकते हैं, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए।